तो यार आज अपना 40 डेज कॉन्कर चैलेंज का डे नंबर 1। तो आज मैंने टोटल 3 मैचेस खेले हैं। इन 3 मैचेस में अराउंड मैंने 60-70 पॉइंट के आसपास प्लस किए। एंड जिन लोगों ने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा उन लोगों के लिए वापस से मैं एक बार ये 40 डेज का कॉन्कर चैलेंज एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इस 40 डेज चैलेंज में मैं डेली सिर्फ 1 घंटा गेम खेल के यानी 2 से 3 मैचेस खेल के आपको 40 दिन के अंदर कॉन्कर करके दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे देखो हमेशा की तरह सीजन के स्टार्टिंग में आपको लीडर बोर्ड में काफ़ी सारे हैकर्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोस्टली अगले 1 या 2 दिन में यहाँ पे हैकर्स बैन होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक भी रैंक पुश करना स्टार्ट नहीं करा है, जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितना जल्दी आप रैंक पुश स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपका कॉन्कर होगा। एंड साथ में आज वाली वीडियो में सब्सक्राइबर्स के लिए रहने वाला है 620 UC का गिव अवे। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अपना रैंक एंड अपनी BGMI ID नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देनी है। लेकिन ये UC का गिव अवे सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए होगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपनी ID कमेंट करेंगे सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अभी फिलहाल चल लेते हैं आज के अपने गेम प्लेस पे। आज वाली वीडियो की बात करूं तो आज वाली वीडियो में टोटल 4 गेम प्लेज है। वीडियो पूरे एंड तक देखना, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। फिलहाल के लिए ये वाले गेम की बात करें तो अभी जस्ट यहाँ पे मैं जोन के सेंटर वाली साइड की बात हूँ। गाड़ी वाले बंदे को यहाँ पे मैंने काफ़ी डैमेज दिया था, तो मैं सोचता हूँ इतना इजी तो इस बंदे को मैं जाने नहीं दूंगा, लेकिन अभी देखो यहाँ पे क्या सीन होगा। अब यहाँ पे मैं सोचा था पीछे साइड रिज पे रुक के थोड़ा कवर ले लूँगा, लेकिन उस जगह पे उतना कुछ खास रिश्ता नहीं। लेकिन यहाँ पे लकीली अपने को ये वाले मैच में रिकॉल मिल गया था। तो अभी यहाँ पे रिकॉल होके मैं वापस सेम लोकेशन पे आता हूँ। मेरे को लगा था इतनी देर में बंदा लूट वगैरह करके निकल गया होगा, लेकिन बंदा अभी भी नीचे लेट के लूट ही रहा था। ये बंदे तो यहाँ पे इजी फिनिश कर दिया। फिलहाल के लिए अपनी क्रेट से वापस जाके मैं अपनी गन्स वगैरह उठा लेता हूँ। इसके बाद मैं जोन के एच पे घूम ही रहा था, तभी एक बंदा मेरे को सामने से डासिया के साथ स्पॉट होता है। डासिया वाले बंदे को भी मैंने काफ़ी डैमेज दिया था, लेकिन ये वाला बंदा यहाँ पे बच के निकल जाता है। इसके बाद यहाँ पे नीचे लेफ्ट साइड में एक बंदा मेरे को अपने भागता हुआ स्पॉट होता है। अब यहाँ पे मेरे पास इस जगह से कॉइंस थे, तो मैं जोन के बाहर आके शॉप से एक फ्लेयर गन रिडीम कर लेता हूँ। ये वाली फ्लेयर से मैं BRDM मंगवाता हूँ। अभी के लिए BRDM लेके मैं जोन के सेंटर में आ गया था। इसके बाद वाला जोन में बनने का वेट करता हूँ। ये वाला जोन भी लेके लिए अपने ऊपर ही बन जाता है। अब ये बंदा एकदम मेरे मुंह पे आके ओपन में घास में लेट जाता है, जैसे कि स्पाइक को मैंने स्पॉट ही नहीं किया था। अब यहाँ पे नीचे वाली साइड से एक बंदा शॉट लेता है। इसके बाद मैं सोच रहा था BRDM थोड़ा सेफ ले जाता हूँ, लेकिन ये वाला बंदा वापस से अपने BRDM को डैमेज करता है।
ये वाले बंदे को तो फिनिश कर दिया। तो भी यहाँ पे राइट साइड से एक और मेरे को बंदे का गन साउंड आता है। सामने साइड पे मैं देखने का ट्राई करता हूँ, लेकिन कोई बंदा मेरे को स्पॉट होता नहीं है। इसके बाद यहाँ पे बीआरडीएम लेके मैं चेक करने के लिए आता हूँ, लेकिन अभी भी मेरे को यहाँ पे कोई बंदा स्पॉट होता है नहीं। एंड एक बंदा भी जोन से फिनिश हुआ था, मेरे को लगता है शायद से वाला बंदा जोन से फिनिश हो गया होगा फिलहाल के लिए। इसके बाद वाला जोन भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। एंड अभी भी यहाँ पे अपने को छोड़ के 6 बंदे और लाइव है। अभी के लिए मैं यहाँ पे जोन के जिस पे घूम रहा था, तभी यहाँ पे ये वाले 72 से एक मेरे को बंदे का साउंड आता है। अब यहाँ पे मैं सोचता हूँ थोड़ा दूर रुक के ये वाले बंदे पे नेड करने का ट्राई करते हैं, लेकिन देखना क्या सीन होगा। सामने वाले बंदे ने मेरे ऊपर नेड किया था, तो पहले मेरे को कंफ्यूजन होता है कि ये बंदे के नेड से मेरे को बीआरडीएम के अंदर कैसे डैमेज हुआ। लेकिन यहाँ पे अपने पीछे वाली साइड में एक और बंदा है एमआर लेके लेट रखा था, ये बंदा अपनी बेटी बना देता है। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे #7 पे भी अपने को अच्छा सा 40 पॉइंट के आसपास का प्लस मिल गया था। अभी फिलहाल चल लेते हैं आज के अपने सेकंड गेम प्ले में। अभी के लिए अच्छी बात ये थी, इसके बाद वाला जोन भी अपने ऊपर बन जाता है। बगी वाले बंदे को तो यहाँ पे इजी फिनिश कर दिया। फिलहाल के लिए ये साइड अपनी क्लियर हो चुकी थी, तो अभी मैं सामने जोन के अंदर जा सकता था। सामने वाले कंपाउंड पे भी 2 बंदों की फाइट होती है। एंड अभी यहाँ पे अपने को छोड़ के सिर्फ 2 ही बंदे और लाइव है, जिसमें से एक बंदा तो सामने वाले कंपाउंड पे है। तभी यहाँ पे दूसरा वाला बंदा मेरे को राइट साइड में ऊपर भागता हुआ स्पॉट होता है। लेफ्ट साइड वाले बंदे को तो ऐसे फिनिश कर दिया। इसके बाद मैं लास्ट वाले बंदे को सामने साइड पे देखने का ट्राई करता हूँ, लेकिन ये वाला बंदा मेरे को कहीं पे स्पॉट होता नहीं है फिलहाल के लिए। इसके बाद वाला जोन अपने शिफ्ट हो जाता है, तो मैं सोचता हूँ बग्गी लेके इस बंदे क्लोज जाने का ट्राई करते हैं। एंड ये वाला बंदा यहाँ पे शायद से बिना हेडफोन के रहा था, भाई को समझ ही नहीं आया मैं कौन सी साइड पे आके रुका हूँ। बाकी ये वाले गेम की बात करूँ, ये वाले गेम में मिल गया था अपने को अच्छा खासा 37 पॉइंट का प्लस। अभी चल लेते हैं आज के अपने थर्ड गेम प्ले पे। अभी के लिए मैं जोन के सेंटर में इसके बाद वाला जोन बनने का वेट कर रहा था। ये वाला जोन अभी लेके लिए अपने ऊपर बन जाता है, तभी अपने लेफ्ट साइड पे एक बंदा कारपेट लेके आता है। अब ये वाले बंदे को मैंने काफ़ी डैमेज दिया था, लेकिन यहाँ पे पीछे वाली साइड से इस बंदे को कोई और बंदा फिनिश कर देता है।
फिलहाल के लिए इसके बाद वाला जोन में बंदे का वेट कर रहा था, तभी मेरे को लेफ्ट साइड से एक और बगिया साउंड आता है। ये वाले बंदे को भी यहाँ पे फिनिश कर दिया। फिलहाल के लिए इसके बाद वाला जोन अपने शिफ्ट हो जाता है, डब्ल्यू भी अपने को छोड़ के 5 बंदे और लाइव है। बीआरडी वाले बंदे को तेजी फिनिश कर दिया। फिलहाल के लिए अपने को जोन के अंदर जाना है, एंड अभी भी यहाँ पे अपने को छोड़ के 2 बंदे और लाइव है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक मेरे को बंदा स्पॉट होता है, थोड़ा बहुत मैं डैमेज देता हूँ लेकिन बंदा बच जाता है। इसके बाद मेरे को राइट साइड में दूसरा वाला बंदा स्पॉट होता है, ये वाले बंदे को मैं काफ़ी डैमेज देता हूँ लेकिन ये बंदा बच जाता है। फिलहाल के लिए जोन यहाँ पे शिफ्ट हो गया था, मैं जोन के अंदर आने का ट्राई करता हूँ। तभी यहाँ पे जो राइट साइड वाला बंदा था इसको भी सामने साइड से दूसरा बंदा फिनिश कर देता है। फिलहाल के लिए अभी मेरे को भी यहाँ पे हल्का सा जोन के अंदर जाना है, सामने वाला बंदा भी मेरे को पता था जोन के बाहर है। थोड़ा सा पहले यहाँ पे मैं सामने वाले बंदे के ओपन में आने का वेट करता हूँ लेकिन ये बंदा ओपन में आता नहीं है। पहले मेरे को लग रहा था मे भी बंदा जोन के अंदर आके कहीं पे लेट के होगा लेकिन ये बंदा यहाँ पे जोन के बाहर ही हील कर रहा था। लास्ट में जब बंदा आने का ट्राई करता है जी मैं फिनिश कर देता हूँ। बाकी ये वाले गेम की बात करूँ तो ये वाले गेम में मिल गया था अपने को 44 पॉइंट का प्लस। अभी चल लेते हैं आज के अपने लास्ट गेम प्ले पे। ये वाले बंदे को तो यहाँ पे इसी फिनिश कर दिया था लेकिन तभी अपने सामने साइड पे एक और बंदा गाड़ी लेके रुक गया था। अब यहाँ पे इस बंदे पे मैं नेड करने का सोच रहा था लेकिन तभी देखो यहाँ पे क्या सीन होता है। नेड यहाँ पे अपने हाथ से छूट ही नहीं रहा था, मतलब मैं समझ गया था अपना इंटरनेट यहाँ पे जा चुका है। अब यहाँ पे मेरे को लग रहा था मेरी इतने में पेटी बनी गई होगी लेकिन लकीली यहाँ पे मैं बच जाता हूँ। एंड ये वाले गेम में क्या सीन था, मेरी जायरो की सेंसी थोड़ी ऊपर नीचे हो गई थी, उस वजह से मेरे काफ़ी यहाँ पे स्प्रेज वगैरह मिस होते हैं। इवन मेरी सेंसी सही दिखा रही लेकिन कुछ पता नहीं ग्लिच हो रखा था, तो उस टाइम पे मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, तो थोड़ी ये वाले गेम प्ले में स्प्रेज वगैरह इग्नोर करना। फिलहाल के लिए ये वाले बंदे को तो मौली से फिनिश कर दिया। इसके बाद यहाँ पे बग्गी उठा के मैं जोन के अंदर आता हूँ। ये वाले बंदे को भी यहाँ पे जैसे जैसे फिनिश कर दिया। फिलहाल के लिए यहाँ पे जल्दी से मैं हील लगा लेता हूँ। उतने में राइट साइड से एक और बंदा शॉट ले रहा था, ये वाले बंदे को मैं देखने का ट्राई करता हूँ लेकिन मेरे को बंदा स्पॉट होता नहीं है। तो भी यहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ लेफ्ट साइड वाले बेट से जोन के अंदर जाने का।
अब यहाँ पे राइट साइड से एक बंदा अपनी बगी का टायर फोड़ देता है। फिलहाल के लिए पहले तो यहाँ पे मैं ही लगा लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे अपने आसपास और कोई गाड़ी थी नहीं, तो अभी के लिए यहाँ पे मैं कारपेट में उड़ के जोन के अंदर आता हूँ। ब्लू वाली कारपेट का फ्यूल बीच रास्ते में ख़त्म हो गया था, लेकिन ये अपने पे दूसरा कारपेट भी था, तो अभी के लिए ये वाला कारपेट लेके यहाँ पे मैं शॉप पे आता हूँ। एंड अभी के लिए यहाँ पे हल्का सा जोन के बाहर आके मैं फ्लेयर चला देता हूँ। पीछे वाली साइड पे अपने एक ड्रॉप भी गिरा था, तो अभी ये वाले ड्रॉप से अपने को ग्रोजा मिल जाती है। अभी के लिए BID में लेके मैं पहले जोन के अंदर आता हूँ। इसके बाद वाला जोन यहाँ पे वापस शिफ्ट हो गया था। फिलहाल के लिए जोन के अंदर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अभी के लिए ये जगह मेरे को थोड़ी सेफ लगती है, तो यहीं पे आके मैं रुक जाता हूँ। अब यहाँ पे अपने ऊपर साइड से एक और बंदा BIDM लेके आते हैं, लेकिन इस बंदे के साथ क्या सीन होता है, नीचे साइड पे इस बंदे का BIDM जाके पलट जाता है। लेकिन ये वाला बंदा यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिमाग लगाता है, बंदा BIDM के बाहर आता ही नहीं है। अब यहाँ पे लास्ट के जोन में M24 का कोई काम था नहीं, तो फिलहाल के लिए ये वाली बंदी की पेटी से मैं M4 उठा लेता हूँ। अब यहाँ पे अपने को छोड़ के 3 बंदे और लाइव, जिसमें से एक बंदा मेरे को पता नीचे साइड BIDM के अंदर है, एक बंदा मेरे को लेफ्ट साइड में सामने स्पॉट हो गया था, तीसरे बंदे की लोकेशन का आइडिया था नहीं। अब यहाँ पे का सीन होता है, बग्गी वाला बंदा नीचे जाके रुका था, लेकिन BIDM वाला बंदा पीछे से उतर के ये वाले बंदे की पेटी बना देता है। अब यहाँ पे मैं साउंड के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे नेट ट्राई करता हूँ। फाइनली यहाँ पे ये वाले नेट से बंदा फिनिश हो जाता है। ये वाले गेम की मैं बात करूँ, ये वाले गेम में मिला था अपने को 50 पॉइंट का प्लस। ये वाले अकाउंट में मैं पहुँच चुका हूँ Diamond 2 पे। कल का मेरा टारगेट रहने वाला है Crown 4 या 5 का। आप में से भी जो लोग अभी Diamond Tier पे 250 Platinum एंड उससे नीचे वालों के लिए 300 पॉइंट का कल का आपका टारगेट रहेगा। आज के गेम प्लेज अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, एंड बेल आइकन को जोर से ऑल पे सेट कर लेना ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए।
बाकी किसी को कुछ पूछना हो या कुछ बात करनी हो तो आप इंस्टाग्राम पे आके मेरे को DM कर सकते हो। तो मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सारे यार नहीं बैठे बार नहीं कन्ने जान नहीं जो लगा डाक।